नमो नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में जनवरी का महीना किस प्रकार जाने वाला है। साल 2024 का सबसे पहला महीना जनवरी कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में ग्रहों के दृष्टिकोण से किस प्रकार की स्थिति निर्मित करने वाला है। 1 से लेकर 31 जनवरी तक की समयावधि में आपके जीवन में किन किन क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर कर्क राशि वाले जातकों को सावधानी बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। कर्क राशि वाले जातकों, इस राशिफल के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू की जानकारी आपको देने वाले हैं। जैसे इस पूरे महीने आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए जनवरी का महीना किस प्रकार रहेगा। सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि आपके कुंडली के ऊपर ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। उससे पहले बात करते हैं कर्क राशि की। देखिए, चंद्रमा से प्रभावित आपकी राशि है और जल तत्व से प्रभावित राशि मानी जाती है। इस राशि वाले जातकों के अंदर चंचलता स्वभाव में होती है, अच्छी बौद्धिक क्षमता होती है, यानी तेज दिमाग वाले कर्क राशि के जातक होते हैं। निर्णय लेने की क्षमता अन्य सभी राशियों की अपेक्षा आपकी काफी प्रबल है। रचनात्मक चीजों के प्रति कर्क राशि का विशेष झुकाव होता है। किसी भी क्षेत्र विशेष में उत्साहित होकर काम करने के लिए सफल होते हैं। भावुक होने की वजह से दिमाग की अपेक्षा दिल से ज्यादा निर्णय लेते हैं। वहीं कर्क राशि वाले जातक किसी प्रकार की नकारात्मक विचारधारा या नकारात्मक व्यक्तित्व के लोगों के साथ या किसी प्रकार की नकारात्मक परिस्थिति में अगर फंस जाए, अपनी सूझबूझ के द्वारा जीवन में बाहर निकलने में सक्षम होते हैं। लेकिन वर्तमान समय में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। शनि आपके अष्टम भाव पर प्रभावी है। 7.5 नहीं चल रही है, ढैया चल रही है, तो अष्टम भाव पर शनि की मौजूदगी बनी हुई है। इसकी वजह से कर्क राशि के जातकों के जीवन में, बहुत सारे जातकों के जीवन में वर्तमान में कई प्रकार की समस्याएं और नकारात्मकताएं भी बनी हुई है। देखिए, आपकी राशि के लिए शनिदेव को योग कारक ग्रह नहीं माना जाता, अकारक ग्रह माना जाता है। तो यहां पर शनि आपके अष्टम भाव पर प्रभावी है, तो कर्क राशि को शारीरिक समस्याएं मिल रही है। कर्म क्षेत्र के मामले में ज्यादा मेहनत करने के बावजूद परिणाम कम या ना के बराबर मिल रहा है। पारिवारिक जीवन में माहौल काफी अशांत है। परिवार के सदस्यों के बीच में व्यर्थ के वाद विवाद की स्थितियां बनी हुई है या बहुत सारे कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक गलतफहमियां पैदा हो रही है। जीवन साथी के साथ भी आपके जो संबंध हैं काफी नकारात्मक बने हुए हैं। वहीं बहुत सारे कर्क राशि वाले जातकों को वर्तमान में आर्थिक मामलों में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, सभी कर्क राशि के वाले जातकों के जीवन में ऐसी स्थिति नहीं है। जिनके जन्म कुंडली पर शनि की प्लेसमेंट काफी अच्छी बनी हुई है, उनको वर्तमान में शुभ परिणाम भी मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे जातकों के जीवन में वर्तमान में शनि की ढैया की वजह से यह स्थिति बनी हुई है। इसके लिए वीडियो के लास्ट में कुछ विशेष और धार्मिक उपायों की जानकारी भी आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि आपके कुंडली में ग्रही स्थिति किस प्रकार की रहेगी। कर्क राशि वाले जातकों, पूरे महीने भर शनिदेव जनवरी के महीने में अष्टम भाव पर प्रभावी रहेंगे। बृहस्पति आपके दशम भाव यानी कर्म भाव पर पूरे महीने भर गोचर करने वाले हैं। राहु आपके 9th हाउस यानी भाग्य भाव पर, केतुदेव आपके 3rd भाव यानी पराक्रम भाव पर गोचर करने वाले हैं। साल की शुरुआत में आपके 4th और 5th भाव पर शुक्र और बुध की युति बनी रहेगी। इसकी वजह से लक्ष्मी नारायण योग बनने वाला है।
और 7 जनवरी को आपके पंचम भाव से बुध निकलकर आपके छठवें भाव पर चले जाएंगे। वहीं 18 जनवरी को शुक्र का भी परिवर्तन आपके राशि के छठवें भाव पर हो जाएगा। एक बार पुनः 18 जनवरी के पश्चात आपके राशि में लक्ष्मी नारायण योग आपके पंचम भाव पर भी बना हुआ था, अब आपके छठवें भाव पर जनवरी के महीने में बनने वाला है। और जनवरी के महीने में सूर्यदेव महीने की शुरुआत में मध्य तक यानी 14 जनवरी तक आपकी राशि के छठवें भाव पर मंगल के साथ पराक्रम योग बनाने वाले हैं। और 14 जनवरी को सूर्यदेव आपके सप्तम भाव पर आ जाएंगे, तो यहां महीने के अंतिम तक रहने वाले हैं। तो भाई हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में यह समय किस प्रकार की स्थिति निर्मित कर रहा है। कर्क राशि वाले जातकों करियर के दृष्टिकोण से यह पूरे महीने की जो समयावधि है उसमें आपको उत्साह के साथ चलने का प्रयास करना होगा। वर्तमान समय में आपके छठवें भाव पर सूर्यदेव की और मंगल की उपस्थिति बनी हुई है। नौकरी पेशा जातकों के मन में उत्साह की प्रबल संभावना बढ़ने वाली है। नौकरी पेशा जातक यदि आप प्रमोशन जैसी स्थितियों को लेकर चल रहे हैं उनके लिए भी अच्छी संभावना महीने के मध्य तक मध्य जनवरी तक बन रही है। पूरे महीने भर शनि की तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ी रहेगी जाने वाली है। यदि आप कोई खास बदलाव कर्म क्षेत्र में कर रहे हैं तो आपको जरूर सावधान रहना होगा। वैसे जनवरी के महीने में जो जातक क्रिएटिव क्षेत्रों में जुड़कर काम कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय काफी बेहतर रहने वाला है। संगीत, साहित्य, थिएटर, सिनेमा, डांसिंग या किसी प्रकार का यदि आप व्यापार कर रहे हैं उनके लिए विशेष सफलता की संभावना दिखाई दे रही है। इस महीने धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वालों, धन भाव के स्वामी आपके लिए सूर्यदेव माने जाते हैं। जनवरी की शुरुआत में आपके छठवें भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। वहीं लाभ भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शुक्र माने जाते हैं और जनवरी की शुरुआत में शुक्रदेव आपके राशि में लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। पूरा महीना धन के दृष्टिकोण से बहुत ही शानदार रहने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक प्रगति के अवसर मिलेंगे। पिछले समय में ज्यादा मेहनत करने के बावजूद यदि आपको धन संकट या आर्थिक मामलों में परेशानी या चुनौती मिल रही थी उससे निजात होगी। बहुत सारे जातक कर्जों की वजह से परेशान हैं। कर्ज की स्थिति आपके जीवन में लगातार बनी हुई है, उससे आपको आसानी से निजात मिल सकती है। कर्क राशि वाले जातकों, इस समयावधि में पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, जनवरी के महीने में पारिवारिक संबंधों को लेकर कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में दो प्रकार की स्थिति निकलकर सामने आ रही है। कुंडली के दूसरे भाव पर देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव और साल के प्रथम महीने में जनवरी के मध्य तक सूर्य की अनुकूलता परिवार के सदस्यों में उत्साह निर्माण करेगी। सदस्यों के बीच में समन्वय की स्थितियां बनाने वाली है। आपके परिवार में उत्साह और सहयोग बढ़ने वाला है। वहीं जनवरी के मध्य के पश्चात सूर्यदेव की उपस्थिति आपके सप्तम भाव पर बनेगी, तो यहां पर आपको जरूर सावधान रहना चाहिए, छोटे मोटे वैचारिक मतभेद आपको मिल सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन को लेकर जानकारी दिया जाए, दर्शकों पंचम भाव पर शुक्र की मौजूदगी बुध के साथ बनी हुई रहेगी, अच्छा राजयोग भी बना हुआ है, इसकी वजह से प्रेम संबंधों के लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है। पूरे महीने भर पंचम भाव के स्वामी अच्छी अवस्था में विराजित हैं, इसकी वजह से जो जातक प्रेम संबंधों में जुड़कर चल रहे हैं उनके लिए संभावना काफी अच्छी और बेहतर दिखाई दे रही है। वहीं वैवाहिक जीवन को लेकर यदि आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों वैवाहिक भाव के स्वामी शनि बनते हैं आपकी राशि के लिए और शनिदेव आपके अष्टम भाव पर प्रभावी हैं, तो यहां पर वैवाहिक मामलों में महीने का जो मध्य तक का समय है उसमें स्थिति आपके जीवन में काफी अच्छी दिखाई दे रही है। जीवन साथी का भी आपको सहयोग मिलेगा और वैवाहिक मामलों में उत्साह बढ़ने वाला है। 14 जनवरी के पश्चात सूर्यदेव आपके सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव पर आ जाएंगे। सूर्य को क्रूर ग्रह माना जाता है। जीवन साथी के साथ छोटे मोटे वैचारिक मतभेद उभर कर सामने आ सकते हैं, तो महीने के मध्य के पश्चात आपको वैवाहिक जीवन में जरूर संभल कर चलना होगा।
स्वास्थ्य को लेकर जानकारी दिया जाए। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए सेहत के दृष्टिकोण से यह पूरा महीना ही बहुत ही शानदार रहने वाला है। कुंडली के छठवें भाव पर मंगल देव प्रभावी अवस्था में गोचर करेंगे, तो पिछले समय से बहुत सारे कर्क राशि वाले जातक अशांति, घबराहट, शारीरिक समस्याओं से परेशान है, इन सभी चीजों से आपको निजात मिलने वाली है। जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है, ऐसे कर्क राशि वाले जातकों को जीवन शैली सुधार कर चलने की आवश्यकता रहेगी। खान पान को लेकर ज्यादा अलर्ट होकर चलना होगा। चाय, शक्कर और वसा युक्त भोज्य पदार्थों से आपको बचना होगा। शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों से भी आपको बचना होगा। तो स्थिति आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाली है। वर्तमान में शनि आपके अष्टम भाव पर प्रभावी हैं। यदि आप खान पान की आदत का ध्यान नहीं देंगे, दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर नहीं चलेंगे, अनिद्रा की समस्या हो सकती है, हड्डियों में समस्या, नेत्रों में समस्या, पेट जनित समस्या परेशान कर सकती है। तो ये सावधानी आपको रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व कर्क राशि वाले जातकों को दो विशेष सावधानियों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं जो आपको जरूर बरतनी है। सबसे पहला, भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता, इसलिए कर्क राशि वाले जातकों को समय प्रबंधन का विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वर्तमान समय में शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है, तो कर्क राशि वाले जातकों के अंदर निरुत्साहिता, आलस्य पूर्वक स्थिति ज्यादा बन रही है। यदि आप अपने जीवन में बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो शनि का नियम समझना होगा। शनि व्यक्ति को कर्मठ बनाना चाहते हैं, तो उत्साहित होकर अपने जीवन में हर कार्य को समय पर यदि करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाली है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए बार बार कार्यों का बदलाव करने से भी आपको बचना चाहिए, क्षणिक गुस्से से भी आपको जीवन में बचना होगा, तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, तो कर्क राशि वाले जातकों, मेडिटेशन करना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप रोजाना ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपके मन में एकाग्रता और उत्साह में वृद्धि मिल सकती है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना बेहतर रहेगा। दशरथ रचित शनि स्त्रोत का यदि आप पाठ करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतर रहने वाली है। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों, प्रत्येक दिन सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का यदि आप पाठ करते हैं तो भी स्थिति आपके जीवन में बेहतर रहने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें जरूर बताएं, प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए कर्क राशि वाले जातकों आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।